हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 3 है। और पिछले वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है, इनका यूज क्या है, तो इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया है, प्रैक्टिकल भी देखा है। और आज की इस वीडियो से हम फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में देखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं, फिर इनका हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। वैसे तो आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन ही कर लोगे क्योंकि इसको हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया। अब थोड़ा मैटर यहाँ पर हम फार्मूले की सहायता से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना मैटर लिख लिया। अब हमें फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करना है। तो जो फाइंड ऑप्शन होता है, फाइंड ऑप्शन की सहायता से जैसे यहाँ पर जो भी पैराग्राफ दिए गए हैं, अगर इसमें से कोई भी चीज़ हमको ढूंढनी हो तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। जो रिप्लेस ऑप्शन होता है, रिप्लेस की सहायता से कोई भी चीज़ अगर बदलनी है तो हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो मैटर लिखा हुआ है, अब इसमें हम बीच बीच में लिख दें लखीमपुर खीरी, बीच बीच में हम लखीमपुर खीरी लिख दें। अब हमको उसे ढूंढना हो कि लखीमपुर खीरी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज करेंगे। या फिर मान लीजिए जो लखीमपुर खीरी हमने लिखा है, हम चाहते हैं गलती से लखीमपुर खीरी लिख गया, लेकिन इसे हमें बदलना था, लखीमपुर खीरी के स्थान पर हमको यूपीसीआई एसएस प्राइम लिखना था, तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑप्शन यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं लखीमपुर खीरी, तभी आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लखीमपुर, एक हमने यहाँ पर लखीमपुर लिखा। अब इसी को बीच बीच में हम कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि आप लोग समझ जाएँ और हमारा टाइम भी अधिक ना लगे। तो यहाँ पर हम लखीमपुर खीरी यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे लखीमपुर, और इसी तरीके से हम बीच बीच में कई स्थानों पर लखीमपुर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लखीमपुर लिख लिया। अब हो सकता है अभी आप लोग समझ जाओगे कि कहाँ कहाँ लखीमपुर लिखा है, क्योंकि हमने आपके सामने ही लिखा है। लेकिन बाई चांस समझ लीजिए, अगर आप ना हो और पहले से ही हमने एक लेटर बना के रखा है और उसमें बीच बीच में हमने लखीमपुर लिख दिया, और वहाँ पर हम आपसे अचानक पूछें कि बताइए यहाँ पर लखीमपुर कहाँ कहाँ लिखा है, तो हो सकता है आप इतनी फास्ट ना बता पाओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन जो होता है, फाइंड ऑप्शन की सहायता से हम फाइंड कर लेंगे। तो एडिट मेनू में आएंगे, एडिट मेनू में आएंगे, यहाँ पर दिया फाइंड, और फाइंड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल एफ। ध्यान रहे, फाइंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एडिट मेनू में, और फाइंड की शॉर्टकट कंट्रोल एफ है। जैसे ही हमने फाइंड ऑप्शन पर क्लिक किया, और नीचे आप लोग यहाँ पर स्टेटस बार के ऊपर देख पा रहे होंगे, फाइंड ऑप्शन से हमारा एक रिलेटेड डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको टाइप कर लेना लखीमपुर, क्योंकि हम लखीमपुर को ही ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे लखीमपुर, लखीमपुर टाइप किया, फिर यहाँ पर एक दिया फाइंड प्रीवियस और एक दिया फाइंड नेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो जहाँ जहाँ लखीमपुर है वहाँ वहाँ हमको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ यहाँ पर लखीमपुर लिखा हुआ है, उतना एरिया हमारा हाईलाइट हो जाता है। तो ये होता है हमारा फाइंड का काम। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट होती है कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, फाइंड ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें मान लीजिए हमको ये देखना है कि दैट कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट, यहाँ पर दैट लिखेंगे, यहाँ पर हमने दैट लिखा, फिर यहाँ पर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर दैट लिखा होगा वहाँ वहाँ चीज़ें हमारी हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये हमारा फाइंड का काम होता है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट रिप्लेस है। तो फाइंड में आके अगर हम यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करें, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एच बटन प्रेस करेंगे, दोनों एक ही तरीके से होते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पर अब हमारे सामने फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। तो फाइंड में हमको वो चीज़ रखनी है जिसको हम बदलना चाहते हैं। तो हम बदलना चाहते हैं लखीमपुर, जहाँ पर लखीमपुर दिया गया हो उसे हमें बदलना है। तो फाइंड में हम लखीमपुर टाइप करेंगे। अब रिप्लेस में हमको वो मैटर लिखना है जो हमें नया लाना है। तो नया हम लाना चाहते हैं कि जहाँ पर लखीमपुर लिखा हुआ है वहाँ पर लिख जाए UPCIESS प्राइम। तो वहाँ पर UPCIESS प्राइम लिख जाए। तो फाइंड में हमने लखीमपुर लिखा और रिप्लेस में हमने UPCIESS प्राइम लिखा, क्योंकि लखीमपुर के स्थान पर हमको UPCIESS प्राइम लाना है। फिर यहाँ पर अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो पहले ढूंढेगा कि कहाँ लखीमपुर लिखा है। अगर फाइंड आल पर टिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पर लखीमपुर होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी हाईलाइट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर दिया है रिप्लेस, अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हमारा एक एक रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस आल कर देंगे तो एक साथ जहाँ जहाँ पर हमारा लखीमपुर था, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, वहाँ वहाँ पर हमारा UPCIESS प्राइम हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर हमने लखीमपुर लिखा, लखीमपुर को हमने रिप्लेस कर दिया UPCIESS प्राइम में, तो वहाँ पर UPCIESS प्राइम
हो जाएगा। तो यहाँ पर एडिट मेनू में आपको फाइंड और रिप्लेस के ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और फाइंड की शॉर्टकट कंट्रोल F होती है और यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कंट्रोल H होती है। तो दोनों शॉर्टकट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। तो यहाँ पर आप लोग फाइंड और रिप्लेस समझ गए होंगे कि इसका काम क्या होता है, और वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर शॉर्टकट भी बताई गई है कि जो फाइंड डायलॉग बॉक्स होता है उसकी शॉर्टकट कंट्रोल F होती है, फाइंड एंड रिप्लेस जो है उसकी शॉर्टकट कंट्रोल H होती है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है पैराग्राफ इंडेंशन। पैराग्राफ इंडेंशन क्या है? तो पैराग्राफ इंडेंशन का मतलब ये होता है कि जो भी पैराग्राफ लिखे हैं उनकी सेटिंग करना, यानी कि पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए पैराग्राफ इंडेंशन उपयोग किया जाता है। अब ये होता क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे ए पैराग्राफ दिया गया है, अब हम चाहते हैं इस पैराग्राफ को लेफ्ट से थोड़ा अंदर की तरफ लिखे और राइट से थोड़ा अंदर की तरफ लिखे, और जो पैराग्राफ की पहली लाइन है, पैराग्राफ की पहली लाइन यहाँ से जो स्टार्ट हुई है, ये हमारी यहाँ से लिखना स्टार्ट होना चाहिए। तो यही हमारा पैराग्राफ इंडेंशन है और यही हमको उसमें सेटिंग करनी होती है। तो पैराग्राफ इंडेंशन सही करने के लिए यहाँ पर बताया भी गया कि फॉर्मेट मेनू में जाना है, पैराग्राफ में जाके इंडेंट्स पर क्लिक कर लेना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, पैराग्राफ इंडेंशन के स्थान पर पैराग्राफ इंडियन लिख गया है, हम इसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। और रूलर के साथ भी हम पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं, यहाँ से करेंगे नोट्स को मिनिमाइज, आ जाएंगे हम लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो अभी जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं, यहाँ से जस्टिफाई हो जाएगा, जस्टिफाई के शॉर्टकट कंट्रोल जे होती है। अब मान लीजिए इस पैराग्राफ में हमको सेटिंग करनी है, हम चाहते हैं इस पैराग्राफ को लेफ्ट से हमें यहाँ से लिखना है और राइट से हमको यहाँ से लिखना है, और जो पैराग्राफ की लाइन है पहली, इसको हम यहाँ से लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को कर लेंगे सेलेक्ट, जिस भी पैराग्राफ में हमको सेटिंग अप्लाई करनी है, फिर हमको फॉर्मेट मेनू में आना है और पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे। तो जब हम पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सबसे ऊपर यहाँ पर दिया इंडेंट एंड स्पेसिंग, यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट, यानी कि लेफ्ट से हम कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं और राइट से हम कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं, और जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है उसमें हमें कितना स्पेस छोड़ना है। और यहाँ पर पेज है, इसमें प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाई भी देगा। जैसे मान लीजिए हम बिफोर में यहाँ पर छोड़ते हैं 0.14 हो जाएगा, तो यहाँ पर बिफोर में 0.14 हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट में हमारा टेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जितना चाहे उतना हम रख सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर आफ्टर में है। अब आफ्टर में जितना हम रखना चाहते हैं उतना टाइप कर लेंगे। अब फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन के लिए हम कितना रखना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन के लिए मान लीजिए हम चाहते हैं वहाँ पर 1.5 फर्स्ट लाइन के लिए है। फिर यहाँ पर दिया स्पेसिंग, यानी कि जो पैराग्राफ दिए हैं, पैराग्राफ के अब हमको कितनी स्पेसिंग चाहिए और पैराग्राफ के ब्लॉक कितनी स्पेसिंग चाहिए, तो जितनी भी स्पेसिंग चाहिए यहाँ से हम अपने आप स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ से हम स्पेसिंग दे देंगे, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से भी हम स्पेसिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी सेटिंग करने के बाद फिर हमको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ में लेफ्ट से इतनी स्पेस छूटेगा और राइट से हमारा इतना स्पेस यहाँ पर छूट जाएगा, बीच में भी स्पेसिंग हो जाएगी, और पैराग्राफ की जो पहली लाइन है यहाँ पर हमारी पहली लाइन हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ इंडेंशन होता है, और इस तरीके से पैराग्राफ में हम सेटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, और वही चीज़ यहाँ पर बताई भी गई है कि इंडेंशन क्या होता है और इसका काम क्या है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग क्या होती हैं? तो जो बुलेट एंड नंबरिंग है, यानी कि बुलेट और नंबरिंग के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार में बुलेट्स या नंबरिंग पर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट होती है, इसमें बुलेट्स की शॉर्टकट है Shift F12 और नंबरिंग्स की शॉर्टकट हमारी F12 होती है। अब इसका काम क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई लेटर या कोई बुक कंपोज कर रहे हैं, वहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर नेम लिखा, यहाँ पर हमने क्लास लिखा, यहाँ पर हमने फादर नेम लिखा, और यहाँ पर हमने मदर नेम लिखा। अब यहाँ पर चार चीज़ें लिखी हैं, हम चाहते हैं इनको लिस्ट के रूप में कन्वर्ट करना है। तो नेम के आगे यहाँ पर 1 लिख जाए, क्लास के आगे यहाँ पर 2 लिख जाए,
फादर नेम के आगे 3 लिख जाए और यहाँ पर हमारा मदर नेम के आगे 4 लिख जाए, ये हमारे नंबरिंग शो हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं ये नहीं बल्कि जो नेम लिखा है नेम के आगे कोई एरो आ जाए या फिर डॉटेड पॉइंट आ जाए इसी तरीके से, तो ये हमारे बुलेट्स हो जाएंगे। तो चलिए इसका यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखते हैं, तब आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर हम अभी लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं और यहाँ पर हम थोड़ा मैटर टाइप कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओ। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, जैसे ADC हमने लिखा, ADC लिखेंगे, ट्रिपल सी कोर्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टैली प्राइम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इतने कोर्स लिख लिए। अब मान लीजिए हम चाहते हैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर सबसे पहले हमको बुलेट्स लगाने हैं तो बुलेट्स लगाने के लिए यहाँ पर जो हमारा दिया गया ये हमारा बुलेट्स का होता है और ये इस साइड में जो दिया गया ये हमारा नंबरिंग्स का होता है। वैसे तो इसको हम पहले ही देख चुके हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर बुलेट्स लगाना है तो कर लेंगे हम इसको सेलेक्ट, सेलेक्ट करेंगे बुलेट्स में आएंगे और इसकी शॉर्टकट होती है Shift F12 प्रेस कर सकते हैं। अब इसमें से जो भी हमको लगाना हो, जैसे हमको सर्कल लगाने हैं, सॉलिड सर्कल लगाने हैं या फिर यहाँ पर हमको एरो लगाने हैं, यानी कि जो भी स्टाइल लगानी हो उसी पर हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है, वही स्टाइल हमारी लिस्ट में लग जाएंगी। ये हमारी बुलेट्स होती हैं, आप लोग समझ गए होंगे, इसमें से जो भी स्टाइल हम लगाएंगे वो स्टाइल हमारी यहाँ से लग जाएगी। तो ये हमारे बुलेट्स होते हैं। अगर इनको हटाना है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, इसी पर क्लिक कर देंगे, ये चीज़ें हट जाएंगी। या फिर शॉर्टकट का यूज़ भी कर सकते हैं, Shift के साथ F12 प्रेस करेंगे अप्लाई हो जाएगा, Shift के साथ F12 प्रेस करेंगे ये यहाँ से हट जाएगा। अब इसमें अगर नंबरिंग लगाना हो तो सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग के लिए इसी साइड में यहाँ पर दिया है टगल ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमारा टगल ऑर्डर्ड लिस्ट होता है और इसको हम बोलते हैं टगल अनऑर्डर्ड लिस्ट। टगल अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेट्स भी बोलते हैं और जो हमारा टगल ऑर्डर्ड लिस्ट होता है इसको हम नंबरिंग्स भी बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर नंबरिंग्स ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारी 1, 2, 3 करके। फिर इसके बाद जो भी हमारा कोर्स हो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर, मतलब जो भी लिस्ट हो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक लिख लेंगे। तो इस तरीके से नंबर हमारे ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। मान लीजिए हम चाहते हैं नंबर का यह फॉर्मेट नहीं रखना है तो आएंगे इसी टगल ऑर्डर लिस्ट में, अब इसमें से जो भी स्टाइल लगाना हो क्लिक कर देंगे वही स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अगर हमको रोमन में चाहिए तो यहाँ से हम रोमन में भी लगा सकते हैं, अगर कैपिटल में अल्फ़ाबेट चाहिए तो यहाँ से हम कैपिटल में अल्फ़ाबेट भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसको हमें हटाना है सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर पूरा मैटर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग भी समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर दिया है चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, तो चेंज केस का मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए पहले से ही कोई मैटर लिखा है हमारा स्मॉल लेटर में, हम चाहते हैं उसको कैपिटल लेटर में करना है या उसको टगल केस में करना है, यानी कि पहला उसमें जो वर्ड हो वो हमारा स्मॉल में हो बाकी के सारे कैपिटल में हो, या फिर हम साइकिल केस में चाहते हैं या फिर लोअर केस में चाहते हैं, तो वही चीज़ें हैं इसी को हम बोलते हैं चेंज केस। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो ADCA ट्रिपल सी टेलीप्राइम जो भी मैटर दिया गया है हम चाहते हैं सारा का सारा मैटर हमारा किस में हो जाए, कैपिटल लेटर में हो जाए, सारा का सारा मैटर कैपिटल लेटर में हो जाए, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट मेनू में आना है। फॉर्मेट मेनू में आएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, टेक्स्ट में आएंगे। अब यहाँ पर दिया है हमारा अपर केस, इसी को चेंज केस बोलते हैं, इसी में चेंज केस है हमारे, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया या हमारा साइकिल केस हो गया। अपर केस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल में थे, अब यहाँ से सारी चीज़ें कैपिटल में हो जाएंगी। थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, सारी चीज़ें कैपिटल में हैं। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं ये नहीं बल्कि हमको स्मॉल में ही रखना है तो हम फॉर्मेट मेनू में आएंगे, टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ से लोअर केस पर क्लिक कर देंगे। लोअर केस का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट है सारा का सारा हमारा स्मॉल में हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर अगर हम साइकिल केस पर क्लिक करते हैं तो साइकिल केस में हर वर्ड का पहला लेटर जो होगा कैपिटल में होगा, बाकी के सारे हमारे स्मॉल में हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम आएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट में आएंगे। अगर यहाँ पर हम सिंटैक्स केस पर क्लिक करते हैं तो चाहे जितने वर्ड हों केवल पहले वर्ड का लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी के सारे हमारे स्मॉल में हो जाएंगे। तो यही हमारा चेंज केस होता है। चेंज केस की सहायता से हम अपने टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जिसमें कन्वर्ट करना चाहें उसमें यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा चेंज केस है और वही चीज़ इसमें बताई भी गई है। चेंज केस की जो शॉर्टकट होती है इसकी शॉर्टकट हमारी Shift के साथ F3 है, यानी कि इसको हम साइकिल केस बोलते हैं और इसकी शॉर्टकट होती है Shift के साथ F3। जैसे कि यहाँ पर हम शॉर्टकट भी देख लेते हैं, यहाँ पर इसको कर लेंगे सेलेक्ट,
सेलेक्ट, यहाँ पर हम करेंगे इसको सेलेक्ट, अगर शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में हो जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा यानी कि लोअर केस में हो जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें बदलाव हो रहा है। तो इसको हम साइकिल केस या फिर चेंज केस बोलते हैं और इसकी शॉर्टकट हमारी शिफ्ट F3 होती है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है? तो हेडर का मतलब होता है पेज के ऊपर और फुटर का मतलब होता है पेज के नीचे। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए हेडर फुटर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। नोट में यहाँ पर बताया गया है कि हेडर पेज के ऊपर टॉप मार्जिन में लगता है जबकि फुटर पेज के नीचे बॉटम मार्जिन में लगाया जाता है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर हम पेज को ओपन कर लेंगे, हेडर फुटर लगाने के लिए इंसर्ट में आएंगे, ये हमारा इंसर्ट मेनू में होता है और यहाँ पर सबसे नीचे इंसर्ट मेनू में हमको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा। अगर हमको हेडर लगाना है तो हेडर पर क्लिक करेंगे, अगर फुटर लगाना है तो यहाँ से हम फुटर में क्लिक कर सकते हैं। जैसे हेडर पर हम क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पर क्लिक कर देंगे, हेडर का पेज यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें जो भी हम लिखेंगे, जो भी मैटर लिखेंगे, चाहे जितने भी पेज हम लिख लें, ये हमेशा पेज के ऊपर ही रहता है और बार बार हमको हर पेज में लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पर हम पेज इंसर्ट करते हैं तो हमने एक दूसरा पेज लिया, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पेज के ऊपर आ रहा है। फिर यहाँ से अगर हम दूसरा पेज ले लेंगे यानी कि तीसरा पेज आया तो इसमें भी ऑटोमेटिक हेडर में आ जाएगा। तो हेडर की यही खासियत होती है कि जो भी मैटर हम हेडर में लिखेंगे वो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हर पेज में, सारे पेज में ऑटोमेटिक अपने आप आता रहेगा क्योंकि एक बार हम उसको लिख चुके हैं। तो ये होता है हमारा हेडर, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसकी हम स्टाइल भी करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और इसका साइज जो भी रखना चाहें साइज रख लेंगे और इसको यहाँ से हम सेंटर में कर लेंगे। अब जितने भी पेज होंगे सभी पेज में हमारा हेडर चेंज हो जाएगा। अगर हमें फुटर लगाना है, फुटर पेज के सबसे नीचे आता है तो इंसर्ट में आके हेडर एंड फुटर में आके फुटर पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं अपने हिसाब से, जो भी मैटर लिखना हो हम यहाँ पर अपने हिसाब से मैटर लिख लेंगे और इसको सेलेक्ट करके इसके फॉर्मेटिंग भी यहाँ से हम कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग करनी हो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखना जितने भी पेज हैं सभी पेज पर ऑटोमेटिक हेडर फुटर हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हेडर फुटर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हेडर एंड फुटर क्या है, इसका काम क्या होता है और हेडर और फुटर हमारा किस मेनू के अंतर्गत मिलता है। तो हेडर फुटर जो है हमारा इंसर्ट मेनू में मिलता है, वहीं से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर हमारा पेज के टॉप मार्जिन में आता है और जो फुटर होता है पेज के बॉटम मार्जिन में आता है। तो यहाँ पर आप लोग हेडर फुटर अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर टेबल मैनिपुलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमको टेबल डिजाइन करना हो, कुछ ऐसा डाटा है जिसको हम टेबल में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि टेबल से रिलेटेड जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अगर हम टेबल को इस वीडियो में देखेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो में हम हेडर एंड फुटर तक ही रखते हैं, जिसमें हमने देखा चेंज केस क्या होते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग क्या है, पैराग्राफ इंडेंशन क्या होते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, यानी कि इन सभी ऑप्शन का काम क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है वही चीज़ें हम बता रहे हैं। वैसे तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है हमारा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को पूरा समझाते हैं तो लगभग इसी के हमारे 15-20-30 वीडियो हमारे बनेंगे, लेकिन हम केवल CCC के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। फिर हम किसी ना किसी वीडियो में लिब्रे ऑफिस को देखेंगे यानी कि पूरा देखेंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।